इंदौर में नगर निगम सीमा में शामिल हुए 29 गांवों की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, जिसको लेकर रहवासियों का गुस्सा अक्सर निगम अधिकारियों पर फूट पड़ता है। इसी कड़ी में मंगलवार को भी वार्ड 36 के रहवासियों ने सड़क, पानी और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर नगर निगम के विजयनगर जोन का घेराव कर धरना दिया। रहवासियों के साथ ही स्थानीय कांग्रेसियों और पूर्व विधायक तुलसी सिलावट ने भी जोन पर धरना दिया। धरने को बढ़ता देख मौके पर पहुंचे जोनल अधिकारी को भी सड़क पर ही बैठकर रहवासियों की समस्या सुननी पड़ी, जिसके बाद रहवासियों ने अपनी समस्याओं का ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द निराकरण की मांग की। नेपाने काकड़ से आए हैं, हमारी कॉलोनी में रोड नहीं है, गड्ढे हैं 20-20 मीटर के, है ना, पानी की बिल्कुल भी एक बूंद भी नहीं है कॉलोनी में। हमारी कॉलोनी में, पूरी कॉलोनी में एक बोरिंग है, खुद की उसकी प्राइवेट है, वो पूरी कॉलोनी में पानी देती है। सरकार पानी नहीं दे रही, वो पानी वो पुराती, अगर वो पानी नहीं देगी तो हम बस्ती वाले क्या पियेंगे? वोट लेने तुम आ जाते हो, हम थप्पा लगा देते, तुमको जिता देते, नोट के बोरे भर लेते हो गरीब जायदाड़ में। गरीब से तुम्हें लेना देना कब रहता है? जब तुम्हारा वोट का काम रहता है, जब जो सहयोग देता है उसको वोट नहीं मिलता है, जो सहयोग नहीं देता है उसको वोट मिल जाता है, है? जो रिश्वत पहले ही खस्ता देता है उसको वोट मिलता है, और बेचारा सीधा साधा सहयोग करता है जनता की, उसको वोट नहीं मिलता, बोलते वो हार गए, उसके पास कुछ था ही नहीं, उसके पास जनता ही। 50 साल से जित दिक्कत है, 1 साल से 85 बोलो ना सर, नेता भी जीत जाता है और पैसे लेके चला जाता है, गरीब जाए अब तो वोट ले लिया और तो हो गया काम हमारा, है? रोड खुदवा दिया है, रोड खुदवा दिया है, पानी भी नहीं हमारे पास, आपके पार्षद ने आपके कुछ भी नहीं करा, हमारा पार्षद ने कुछ नहीं करा है, जीवन पंचली कुछ नहीं करा है, उसके पास जाना पड़ता है, समस्या लेके उसके पास जाना पड़ता है, हर हर चीज की परेशानी लेके उसके पास जाना पड़ता है, वो बोलता है हाँ आऊंगा, भेजूंगा मजदूर, एक टैंकर भेजेगा, एक टैंकर में पूरी कॉलोनी में पानी पूर जाएगा क्या? वहीं पूरे मामले में जोनल अधिकारी का कहना है कि रहवासियों द्वारा पूर्व में भी प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद वहां पर विकास कार्य लगातार जारी है, जिसका काम 5 से 6 माह में पूर्ण हो जाएगा। निगम में हमारा 3 साल हो गए निगम में आए, और विधायक बने 4 साल हो गए हैं, अभी तक न तो विधायक की हमारी सुनवाई हुई है और निगम में हमारी कोई सुनवाई हुई है आज तक। 4 साल से हम वही मूलभूत सुविधाओं के लिए आज तक रो रहे हैं कि हमें पानी चाहिए, हमें सड़क चाहिए, हमें लाइट, स्ट्रीट लाइट चाहिए, मतलब हम क्या इसी चीज को लेके हर बार बार आंदोलन करते रहेंगे? ये जो मूलभूत सुविधाएं पूरा टैक्स दे रहे हैं हम लोग, पूरी रहवासी सब लोग टैक्स दे रहे हैं, उसके बावजूद हमें बार बार यहाँ आना पड़ रहा है, इसलिए आज हमने इनसे आज भी नम्र निवेदन किया है, क्योंकि हम गांधीवादी लोग हैं, हम हमेशा नम्र निवेदन ही करेंगे। तुलसी सिलावट जी और प्रमोद टंडन जी, अमन बजाज जी के नेतृत्व में हमने आज ज्ञापन सौंपा है जेडो के पास कि गर्मी आने वाली है, हमें वापस पानी की सुविधाएं दें, हमें लाइट, स्ट्रीट लाइट वापस उपलब्ध कराएं, और जहां हमें ड्रेनेज के ढक्कन बदलने हैं, जहां ड्रेनेज हमने डाली है, जहां रोड लगानी है, रोड डालनी है, और स्पीड ब्रेकर, ये हमारी जो छोटी छोटी मांगे हैं उनके पूरी करने के लिए हम यहां पे आए हैं। अगर आपकी मांगे नहीं मानेंगे तो अगला कदम क्या होगा? आगे मांगे नहीं मांगेंगे तो हम सब यहीं आके बैठ जाएंगे, हम रोड घेरेंगे, चक्का जाम करेंगे, हमें करना ही पड़ेगा, अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी, अगर आप हमारे पास टैक्स लेने गुंडे भेज सकते हैं तो हम गांधीवादी तरीके से यहाँ पे आंदोलन करेंगे। मैं अजिताभ शर्मा, यूथ कांग्रेस। प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले में फंसे सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर लोकायुक्त ने शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली है। इंदौर में लोकायुक्त के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करने पहुंचे प्रदेश के लोकायुक्त जस्टिस एन के गुप्ता ने यह बात साफ कर दी कि भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों का निराकरण जल्द से जल्द किया जाएगा। लोकायुक्त जस्टिस एन के गुप्ता ने विभाग के अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देश दिए और समय सीमा में प्रकरणों का निराकरण करने पर जोर दिया। वहीं लोकायुक्त जस्टिस ने काली कमाई के जरिए अनुपातहीन संपत्ति जमा करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति राजसात करने की बात भी कही।
लोकायुक्त जस्टिस के मुताबिक 1 दिसंबर 2017 से लेकर 28 फरवरी 2018 तक रिश्वतखोरी के मामले 63 ट्रैप किए हैं। वहीं शासन के धन का दुरुपयोग करने के मामले में भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों से 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की गई है।